हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरी न्यू वीडियो। मेरी वीडियो कैसे लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिएगा, सुनिएगा। इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है और केयर की भी बातें हैं कि प्रेगनेंसी में खुद को कैसे रखें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकंड प्रेगनेंसी का मैं दोनों मिक्स करके बताऊंगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी से स्टार्ट करते हैं। पहली प्रेगनेंसी जब मुझे मतलब मैंने कंसीव करा था डीजा के टाइम, तो मतलब इतना कुछ, अगर आप न्यू मॉम बनते हो तो आपको इतना कुछ पता नहीं रहता है कि मतलब क्या हो है, कैसे है, खाना पीना हर एक चीज़ का आपको नॉलेज नहीं होता है कुछ भी। और उस टाइम पे अगर फैमिली आपकी सपोर्ट करती है, फैमिली मेंबर में से कोई आपको बताता है कि ऐसे करो वैसे करो, ये खाओ वो खाओ, तो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती है। या फिर आप सोशल मीडिया की मदद लें। सोशल मीडिया पे आप देखो, यूट्यूब पे देखो और अदर पेज पे आप जाके देखो कि क्या है कैसे होगा, तो आपको होता है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो है फैमिली का सपोर्ट। मैंने ये चीज़ बहुत फील करा है फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी दोनों में। और ये चीज़ आप लोग भी समझ सकते हैं कि कितनी नीड होती है उस टाइम पे फैमिली की, कि वो जो तकलीफ़ होती है ना, सिर्फ वही समझ सकता है। तो थोड़ा इमोशनल वे में जा रही थी, बट ऐसा नहीं है। एंड मैंने कंसीव करा था डीजा के टाइम, तो बहुत मतलब सब चीज़ें अच्छी गई पूरी। मतलब थोड़ा सा 4-5 महीने बाद थोड़ा फैमिली का प्रॉब्लम था जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं शेयर कर सकती। उस टाइम पे मैं बहुत झेली, क्योंकि मुझे मेंटली प्रेशर था। फिजिकली आप प्रेगनेंसी के टाइम वैसे भी आप थोड़ा सा कमज़ोर फील करते हो, और मतलब 5 मंथ से लेके पूरी 9 मंथ की जर्नी डीजा के टाइम की काफ़ी पेनफुल रही मेरी। और मतलब मैं उस टाइम पे कह नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में थी और बहुत कुछ था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। एंड दादी आई हुई थी मेरी, दादी सास। और उसके बाद जब सीज़र हुआ तो मेरी सास आई थी, चाची सास, ननद आई थी, और यही था। तो जो 9 मंथ मैंने ये सब झेला, और जब डिलीवरी का टाइम आया डीजा के टाइम पे, तो उन्होंने जो मेरा डॉक्टर था 5 सितंबर को, उसने मेरे को देखा, बोला कि अभी टाइम है, क्योंकि डीजा की डिलीवरी की डेट 12 सितंबर थी, 12 सितंबर। उन्होंने बोला कि अभी नॉर्मल है, ये घर जा सकती है। 5 सितंबर को मैं दिखा के वापस आई, 6 सितंबर से ही मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने लगा कमर में, और समझ ही नहीं पाई मैं, मेरे को मतलब फर्स्ट टाइम रहता है तो कोई नहीं समझ पाता है कि ये किस चीज़ का सिम्टम्स है। सोने में उठने में बैठने में थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्या, एंड टाइम पे डीजा के होने के ठीक 15 दिन पहले से ही मैं चल ही नहीं पाती थी। मेरे पैर मतलब पैर ऐसे नहीं पड़ता था, बाथरूम ले जाने के लिए मेरे को सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, ये पकड़ पकड़ ले जाते थे। और बहुत ज़्यादा मतलब पेन हुआ मुझे पैर और कमर में कि मैं बता नहीं सकती। तो डॉक्टर नहीं था, 6 को मैं गई वापस वहाँ पे, एंड फ़ोन करा डॉक्टर को कि ऐसा ऐसा इसको दिक्कत है। तो वो बोले कि मैं निकल गया हूँ भोपाल के लिए, भोपाल चले गए। और उन्होंने एक उसका क्लिनिक का एड्रेस दिया, बोला इधर जाके आप एडमिट हो जाओ, आपका वहाँ सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। उन लोगों ने भाई साहब मेरी जो कंडीशन करी, मैं कहती हूँ किसी की कभी ना हो, कोई ना झेले वो सब चीज़ें। मैं पूरे 4 महीने सही से चल नहीं पा रही थी, और
इस बार काफ़ी इम्प्रूव है, मुझे इम्प्रूवमेंट है मेरे में, काफ़ी अच्छे से मैं इम्प्रूव मतलब अच्छा फील कर रही हूँ। और उन लोगों ने पहले मुझे एडमिट करा कि नॉर्मल होगा, मैं 10 बजे एडमिट हुई। लेवर पेन का उन्होंने इंजेक्शन वगैरह जो देते हैं वो सब दे दिया। मुझे इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द में थी मैं, और ले जाके नॉर्मल मतलब जो जहाँ वो लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं उधर ले गए। उधर जाके उन्होंने जो कंडीशन करी करी, एंड शाम के 5:30 बजे उन्होंने बोला कि अब नहीं हो सकता है, इनका सीजर करना पड़ेगा। मैं पागलों की तरह सेकंड फ्लोर पे, मतलब किसी की भी मदद नहीं, मुझे बस उन्होंने जैसे बोला कि ऑपरेशन होगा, मैं सेकंड फ्लोर पे, मेरी ब्लीडिंग और सब कुछ मतलब स्टार्ट था। मैं पागलों की तरह सेकंड फ्लोर पे चली गई कि मेरा अब कर दो, और जाके ओटी में फटाक से लेट गई कि अब कर दो। वो जो पेन था ना, वो चीज़ मतलब मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम पे मुझे क्या हो रहा था। एक तो फैमिली की नीड, दूसरे फिजिकली इतना ज़्यादा परेशान हो जाना, वो चीज़ मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या हो गया था मुझे। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के टाइम भी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी कि उन्होंने सामने से खुद बोला कि इनको पैकिंग वगैरह की ज़रूरत है। वो सब किया गया, और उसके बाद की जो कंडीशन थी वो तो थी, मैं मुझे ना सांस लेना ऐसा होता था ऐसे ऐसे, मतलब 1 महीना कंटिन्यू हुआ कि सांस लेने में दिक्कत होती थी मुझे, और चलने में, उठने में, बैठने में मैं अपनी बच्ची को ले नहीं सकती थी। और यही कारण था कि डीजा अपने डैडी के मतलब अपने पापा के पास ज़्यादा रही, वो पूरा पूरा टाइम उनको लेके रखना, दूध पिलाना, पूरी रात जागना, देखना, सब कुछ इनके पापा ने करा। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे को फीवर आना स्टार्ट हो गए, इन्फेक्शन्स स्टार्ट हो गए, यूट्रस में इन्फेक्शन्स होने लगे, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो जैसे प्रेगनेंसी का फोबिया हो जाता है ना कि अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इतना झेलने के बाद कोई भी रहेगा तो वो यही सोचेगा कि अब यही रहे, अब नहीं करना है। तो ये चीज़ हो गई थी, पूरा 4 साल बीत गया था डीजा के बाद। ये मेरे को ले जाते थे तो चलेगी हॉस्पिटल, चलेगी हॉस्पिटल देखेगी, मैं मना कर देती थी कि माफ़ कर दो। तो वो चीज़ हो गई थी। एंड बाबू मेरा जब आया, मेरे को पता चला कि यार आई एम प्रेग्नेंट, तो पहले तो खुशी हुई कि चलो अभी 4-5 साल हो भी गया है डीजा के होने के बाद, और इतनी गैपिंग सही है। लेकिन वो जो फोबिया होता है ना, वो सब चीज़ें मेरे माइंड में फिर से राउंड करने लगी, ऐसे गोल गोल घूमने लगी कि कहीं मैं फिर वही उसी सिचुएशन में ना जाऊँ। और इतना मतलब दर्द, वो इंजेक्शंस का दर्द, सब कुछ मुझे मतलब फिर से ऐसा रिपीट होने लग गया। फिर ऐसा धीरे धीरे शादी फंक्शंस, गांव में जाना था, देवर की शादी थी, और बहुत कुछ, मेरी दादी एक्सपायर हो गई, वहाँ गई, तो इन सब चीज़ों में मैं वो अपना जो था 5-6 महीने की जर्नी ऐसे ही निकल गई, भूल गई। और एंड थोड़ा खुश रहती थी, पर दादी से मेरा थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन था। कुछ चीज़ें मतलब आप ऑन कैमरा मतलब वो फीलिंग ही नहीं आप शेयर कर सकते हो। था तो, और उसके बाद ये आए। एंड इस प्रेगनेंसी में भी ये मुझे पता चला कि मैं कब प्रेग्नेंट हूँ। मैं गई थी बांके बिहारी, वहाँ मतलब वहाँ भी नहीं पता था। मैं 50 किलोमीटर चली, दिल्ली गई, जयपुर गई, हर जगह मैंने ट्रैवलिंग करा, पैदल भी मतलब बहुत चली 50 किलोमीटर। जब वॉच, स्मार्ट वॉच लगाई हुई थी, उससे देखा गया तो 50 किलोमीटर था। एंड मेरे को लगा कि
डांस डांस वांस भी किया मैंने, मेरे को लगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन था। और ये हम लोगों ने यही सोचा कि बाकी बिहारी की मर्जी है, और 5 6 महीना ऐसे निकल गया इधर उधर घूमने में, और तबीयत भी उसमें ख़राब रहती थी। ऐसा नहीं है, सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत होती है, और फर्स्ट जब सीजर से हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब पूरा बॉडी ऐसे ऐसे हो जाता है, कमर में इतना सारा दर्द और बहुत कुछ होता है। और पहले का जो सीजर हुआ रहता है वो पेट जहाँ पे हुआ रहता है वो भी थोड़ा सा, बच्चे का जितना वेट गेन होता जाता है वो एकदम जब नीचे की तरफ जाता है तो जो सी सेक्शन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है उसमें, और टाँकों में बहुत ही ज़्यादा होने लग जाता है जितना भार बढ़ेगा उतना। मेरे इस वाली प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि मुझे एडिमा हो गया, और अब आप पूछेंगे एडिमा, एडिमा आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, जिसमें हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाती है और पानी जैसा हो जाता है। तो ये हो गया था लास्ट टाइम पे, चकत्ते बड़े बड़े से पैरों पे पड़ने लगे थे, और बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। मेरे बाबा परेशान रहते थे हमेशा कि जाके ऑपरेशन करा लो, जाके ऑपरेशन करा लो, जाके ऑपरेशन करा दो। और डॉक्टर उतना ही, मैं जाती थी इंजेक्शन लगाती थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी इंजेक्शन लगाती थी, 1 2 घंटे रखती थी, वापस कर देती थी कि जाओ अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। मेरे बाबा परेशान रहते थे, किसी और डॉक्टर के पास चली जाओ, वहाँ करा लो, क्योंकि मेरी जो मतलब सिचुएशन थी ना, वो देख के सब परेशान थे, गांव में बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान थे। और जब मैं गई हॉस्पिटल के लिए तो सब यही कह रहे थे कि अच्छे से हो जाए, और लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने पूछा कि तुम कुछ खाई पी नहीं हो, मैंने बोल दिया हाँ मैंने नहीं कुछ खाया। डर डर लगा मेरे को, क्योंकि एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि मुझे ब्राउन डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था, और उन्होंने बोला कि आपको इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं इस तरह से, तो तुरंत आओ, मैं इमिडिएट आपको ऑपरेट करूँगी। मैं तुरंत जैसे बोली, भाई भाई सब तैयार होने लग गए, सब गए, और मैं क्या की थी, मॉर्निंग में 1 गिलास दूध, मेरी भाभी एकदम 6 बजे मैं जैसे उठती हूँ वैसे ही मुझे दूध और चाय के साथ कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाता था, मैं खा लेती थी। और उस दिन भाई समोसा लेके आया था, तो 2 2.5 समोसा ऐसे, और 2 भाई लोग थे तो उन लोग के साथ बैठ के खा पी ली, और डॉक्टर से झूठ बोल दी कि नहीं खाई हूँ। वहाँ पे उन लोगों ने पहले तो नहीं कुछ बोला कि चलो ठीक है, फिर जब मुझे ओटी मिले गए वहाँ डॉक्टर लगी परेशान करने, कुछ खाई हो तो बता दो, कुछ खाई हो तो, मैं पहले ही कह रही हूँ तुम बता दो, नहीं तो बेटा तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। आईसीयू वगैरह का सब कुछ भाई से सिग्नेचर करवा लिया, कि फिर मैं बोल दी कि हाँ, डर लगा मेरे को कि कुछ हो ना जाए, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने एक समोसा खाया हुआ। उसमें भी झूठ बोला कि सिर्फ एक समोसा, मैं प्रॉपर दूध और ये सब खा पी के गई थी, एंड भगवान से प्रे करने लगी उस टाइम पे। तो ऐसे ऐसे हार्ट मेरा ऐसे ऐसे हो रहा था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन अच्छा हुआ। हाँ, एनेस्थीसिया उन लोगों ने 2 बार मतलब 3 बार इंजेक्ट करा, 2 बार खराब हो गया, तीसरी बार जाके वो हुआ, वो भी काफ़ी पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेन हुआ बैक में। एंड और इंजेक्शन तो आपको पता है सीजर के बाद 6 6 7 7 एक टाइम पे लगते हैं, तो उसका अलग से होता है। तो सब मिला के सिर्फ यही कहना है कि एक औरत अगर माँ बनती है तो मैं सिर्फ यही उनके फैमिली मेम्बर से बोलूँगी कि उसको फुल सपोर्ट करो, उसका ध्यान दो, उसको देखो, ये नहीं है कि काम कर रही है तो काम ही करती रह जाए, ऐसा मतलब थोड़ा सा उसको उसकी मतलब सपोर्ट तो आप करो, साथ में लव ब्लेसिंग और इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे नीड होती है, क्योंकि अगर आप इमोशनली उसको सपोर्ट करते हो। और हस्बैंड को तो मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी, कोई
कोई भी हो, सबसे ज़्यादा आप उससे कनेक्ट रहते हो, उसके पास रहते हो, तो आपसे वो जितना शेयर कर सकती है किसी से नहीं, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ज़्यादा मतलब सपोर्ट की ज़रूरत, आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप करो, फैमिली मेम्बर भी, मतलब फैमिली मेम्बर अपने से जितना बन पड़े वो करें, और आप लोग भी करो। हर हर किसी को इसकी नीड होती है इस टाइम पे। एंड तो ये है। और आफ्टर सीजर आप को थोड़ा सा केयरफुल भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक तो सीजर हुआ रहता है, पेट में इतना ज़्यादा पेन होता है, जब डॉक्टर तीसरे दिन उठाती है ना भाई साहब, उस दिन लगता है कि पूरी दुनिया ख़त्म, पेट फट के हाथ में आ जाएगा, ऐसे पूरा पकड़ना, और चेहरा इतना दर्द से ब्लैक पड़ जाता है। और तो आप एकदम भारी सामान एकदम मत उठाइए सीजर के बाद, और जितना हो सके उतना बचा के खुद को रखिए, एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चे का तो केयर करिए ही, अपने को भी एक बच्चा ही बना लीजिए, केयर आप अपना भी करिए। एब्डोमिनल जो बेल्ट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की जो एब्डोमिनल बेल्ट होती है उसका यूज़ तो आप प्रॉपर करिए, मतलब अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलता है। ये सब लोग कहते हैं कि पेट अंदर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेट वेट की नहीं, एक जो सपोर्ट होता है ना वो इससे मिलता है, तो इसको तो आप ज़रूर वेयर करिए। एंड कुछ भी अगर आप बच्चे को भी ऐसे झुक के उठा रही हैं तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। और कैल्शियम आयरन आप 6 मंथ तक प्रॉपर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रूट्स वगैरह, और बहुत पनीर, कच्ची पनीर, अंडा, सब कुछ आप खाइए, तो उससे क्या होता है कि हेल्थ अच्छी रहती है। और टाको को थोड़ा, अगर आपको इस सीज़न में हो रहा है, समर में बच्चा हो रहा है सीजर से, तो थोड़ा टाको को ओपन रखिए, मतलब थोड़ा खुला, उसको हवा हवा लगे, तो उससे क्या होता है कि पकने के चांस कम रहते हैं, नहीं अदरवाइज टाके पक जाते हैं और फिर बहुत दिक्कत होती है। ये सब है। और बच्चे का भी प्रॉपर आप ध्यान दीजिए, फीड कराइए। फीड कराने से क्या होगा कि बच्चा भी अच्छा रहेगा और आपका भी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। प्लस वेट लॉस करने में सबसे अच्छा तरीका है फीडिंग, तो ये कराइए। एंड बहुत लोग कहते हैं कि सीज़र के बाद मिल्क नहीं आता है, ये है वो है, लेकिन खाने पीने आप लगेंगे तीसरे चौथे दिन से तो स्टार्ट हो जाता है। मेरे टाइम पे भी यही हुआ होता है कि स्टार्टिंग में किसी का भी सीज़र हो नहीं होता है। तो ये था कुछ टिप्स और कुछ बातें, मेरी स्टोरी। और सबसे ज़्यादा जो मैंने मिस किया पूरे प्रेगनेंसी में वो है फैमिली। और ये चीज़ मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है कि फैमिली की कितनी नीड होती है। बाकी सब अच्छा है, और बस यही था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, हाँ मैंने कहा था कि मैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल का सिम्टम्स बताऊंगी आपको, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तब तक बने रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।